उत्तराखंड के देहरादून शहर की 60 बसों में महिला सुरक्षा के दृष्टिगत हर सीट पर सीटी लगाई जा रही है। किसी भी घटना होने पर सीट के पास लगी विसल को बजाकर महिलाएं किसी भी अनहोनी घटना की सूचना दे सकती हैं। जिसके बसते ही बस को रोककर तुरंत बस पर लगे 8 अलग अलग हेल्पलाइन नंबर द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी। सिटी बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना पर पुलिस ने अंकुश लगाने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए शहर की सभी बसों में सुरक्षा की दृष्टि से हर सीट पर विसल लगाने की कवायद शुरू कर दी है। अगर किसी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो महिला विसल बजाकर सूचना देगी। उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय की तरफ से महिलाओं की बसों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान पिछले काफी समय से शहर की सिटी बसों में छेड़खानी की घटनाओं को देखते हुए की है। उत्तराखंड परिवहन निगम की माली हालत यात्रियों पर पड़ रही भारी। नए टायरों के अभाव में निगम के प्रदेश भर के विभिन्न डिपो में करीब 100 बसें खड़ी हैं। हाल ये है कि रूटों पर बसों की कमी पूरी करने के लिए निगम यात्रियों की जान से खेल रहा है। कई रूटों पर विकृत टायर लगाए जा रहे हैं, जिनका मार्गों पर चलना अपने आप में एक बड़ा खतरा है और इनके कारण भविष्य में कब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि रोडवेज के प्रदेश भर में 22 डिपो हैं, जहां से विभिन्न रूटों पर 1400 बसों का संचालन होता है। निगम लंबे समय से टायरों की कमी से जूझ रहा है। निगम को टायर जेके कंपनी उपलब्ध कराया करती थी, लेकिन निगम की माली हालत खराब होने के कारण कंपनी को भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कंपनी टायर देने में आनाकानी कर रही है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में वित्तीय संकट बना हुआ है, लेकिन शासन से अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते टायरों का संकट बना हुआ है। ये टायरों का मामला ऐसा है कि हमारा सबसे बड़ी बात है, इस समय वित्तीय प्रॉब्लम आ रही है। वित्तीय प्रॉब्लम का सबसे मेन कारण जो है वो शासन के द्वारा जो हमारा 60 करोड़ रुपया जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा देना है, वो पैसा सबसे सामने हमारा आ रहा है। वो पैसा यदि हमारा मिल जाए तो हमारी वित्त की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसी का कारण ये है कि क्योंकि जो मोटर पार्ट्स की जो कंपनियां हैं वो हमें समान उधार नहीं दे रही है, जिसके कारण से टायर हमारे समय पर नहीं आए और टायर समय पर न आने के कारण से लगभग पूरे उत्तराखंड के अंदर 100 गाड़ियां खड़ी हो चुकी थी। देख रही है क्राइम स्टोरी।